What's up guys, welcome back to another video. में guys, आज मैं न्यू गेम खेलने वाला, इस गेम का नाम है हाउस फ्लिपर, जो कि guys इसमें एक हाउस होता है जो कि ओल्ड हाउस, मतलब उस हाउस को डेकोरेशन करके बिल्कुल न्यू हाउस बना देना होता है, जो कि इसको सेल कर देना होता है. कभी कभी होता है ऑर्डर मिलते हैं न्यू हाउस, मतलब उसको डेकोरेशन करके भाई से न्यू हाउस में मतलब बना देते, तो कचरा कबाड़ा सब साफ करके बिल्कुल न्यू हाउस में चमका देना होता है. ओके, तो गेम को स्टार्ट करते हैं. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो. ओके, तो यहाँ पे पहले जो पहला लेवल है, मतलब वो लेवल नहीं है, जो प्रैक्टिस है, वो मुझे कुछ बता रहा है. पहले मूव अराउंड. ओके, तो पहले मुझे यहाँ से मूव अराउंड एंड ओके वॉक अराउंड द हाउस, लुक फॉर द गोल्स ऑफ द टास्क स्क्रीन. ओके ओके, मैंने स्क्रीन पे टाइप, और यहाँ जो नीचे आपको टास्क दिख रहा है, मतलब जो नीचे एरो बन के आ रहा है वो किचन पे. ओके, तो किचन पे जो ये बता रहा है मुझे वो टास्क कंप्लीट करने है. पहले तो मुझे बाथरूम और ट्रैश. ओके, तो पहले चलते बाथरूम. बाथरूम कहाँ पे मुझे जितने बाथरूम में जो गंदगी है उसे साफ करना है. आई थिंक ये किचन है. जब ऐसे करो तो पहले किचन को साफ करते हैं. पहले ये पता नहीं क्या चीज़ है, गंदगी, पिज्ज़ा, मतलब जितने भी ये सब चीज़ें गंदगी मचा रखी है, इसको मुझे पूरा क्लीन करना है. बिल्कुल न्यू हाउस बना देना है, बिल्कुल नया कर देना है. डेकोरेशन भी कर सकते हैं इसमें चाहो. पहले तो ये थोड़ा सा ईजी है जो कि मुझे क्लीन करना है. ओके ओके, तो यहाँ किचन भी हो चुके. जो बाथरूम है मुझे सिर्फ खाली एक साफ करना है. बाथरूम आई थिंक शायद वो दूसरे वाले डोर में होगी. ओके, तो ये रहा, बस ये साफ करना. ओके, तो बाथरूम भी साफ हो चुका. अब किचन क्लीन विंडो. ओके, तो किचन वाली जो विंडो, मुझे वो विंडो साफ क्लीन करना. वो ये रहा विंडो. ओके ओके, तो मुझे विंडो क्लीन करना है. भाई विंडो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है. ओके, तो मैं यहाँ पे पहले विंडो को क्लीन कर लेता हूँ. ओके, तो गाइस ये भी विंडो क्लीन हो चुका. ये क्या हुआ ऐसे. अब लास्ट बचा है बेडरूम सेट लाइट आइटम. ओके, मुझे लाइट्स का कुछ शायद पड़ गया, रुक इसे बंद कर दूँ. हाँ गाइस, ये वाला बेडरूम. मैं सोच रहा था भाई ये मुझे क्या करना, भाई कितना गंदा हो रखा है. चेयर नीचे गिरा है, सब नीचे. और भाई मुझे एक सेकंड, पहले तो चेयर को सीधा खड़ा कर देता हूँ एंड चेयर को यहाँ पे बस रख देना है. ओके ओके ओके, चेयर अब इसे भी सीधा इस लैम्प इस लाइट को प्लेस यहाँ पे कर देता हूँ बिल्कुल पीसी के. एंड अब क्या करना है. ओके, ओ पेंटिंग, पेंटिंग को बिल्कुल सीधा थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, ऊपर रहेगा. ओके, तो ये जॉब कंप्लीट हो गया, जो कि गाइस थोड़ा सा इजी था लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी था. मतलब भाई रूम चारों तरफ से कमरा होता है. ओके, तो ये सेकंड टास्क आ चुका है. ओके, तो गाइस ये सेकंड टास्क है. इस टास्क में मुझे क्या कंप्लीट करना है. तो भाई इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मुझे क्लीन करना पड़ेगा. भाई ये कौन सा घर है. वो भाई ये पानी, पहले तो यहाँ पे जितने भी पानी, पहले पानी को सब साफ कर देता हूँ. भाई ये कहाँ पे. ओ भाई ये तो बाथरूम है. बाथरूम भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है. एंड ओ भाई ये शीशा भी साफ करना पड़ेगा. ओके, ये वॉल भी साफ करना पड़ेगा. ये वॉल भी गंदा हो रखा है. एंड जितने भी साइड में जितनी भी गंदगी है सबको क्लीन कर देता हूँ. ओके, ये कंप्लीट हो गया. एंड अब क्या करना है. ओ इसे प्लेस नहीं कर सकता. ओके, तो ओके, तो मुझे यहाँ से परचेस करना पड़ेगा. क्या चीज़ परचेस करूँ. वैसे वो क्या चीज़ था. ओ ये था. एंड यार गलत लिया यार. नहीं सही है, मुझे लगा मैंने गलत ले लिया. अब क्या करना है. ओ ओके, लेफ्ट राइट एंड ओके, ये भी कंप्लीट हो गया. एंड ये टास्क कंप्लीट हो गया, किचन बाथरूम. ओके, तो ये कंप्लीट हो गया. एंड अब बाहर चलते हैं, अब दूसरे वाले रूम में चलते हैं. ओके, तो मैं यहाँ दूसरे रूम, ये वाला रूम नहीं, ये एग्जिट है शायद, यहाँ पे चलना पड़ेगा. ओके, तो मैं यहाँ पे आ गया. एंड शायद ये किचन हो. भाई किचन भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है. टेबल भी बहुत गंदा है, पहले तो टेबल को साफ करूँगा. एंड ये वॉल भी बहुत ही गंदा है, वॉल को भी साफ कर देता हूँ. ओके, तो ये वाला भी वॉल रह गया, इसे भी क्लीन कर देता हूँ. एंड ओके, ये भी कंप्लीट हो चुका. ओके, मुझे कुछ कॉइन भी मिल चुका. अब क्लीन करना है कॉरिडर. क्लीन डर्ट कॉरिडर, रिप्लेस हाईलाइट आइटम. मुझे इस रिप्लेस भी करना पड़ेगा इस हाईलाइट आइटम को. कहाँ पे होगा, शायद दूसरे वाले रूम में होगा. चलते दूसरे वाले रूम में. एंड इसे बंद कर देता हूँ, ये वाला होगा. ओके, तो ये रहा क्लीन, पहले से क्लीन कर लेता हूँ. ओके, ये भी हो गया. एंड यहाँ पे ब्लड लगा हुआ है, पहले से भी क्लीन कर लेता हूँ. ओके, ये शायद क्लीन हो गया, अभी नहीं हुआ. एंड शायद ऊपर भी होगा. ओके, ये शीशा मिरर, इसे भी मुझे क्लीन करना पड़ेगा, इस मिरर को. ओके, तो ये भी कंप्लीट हो चुका. अब ये वाला यहाँ चलते हैं.
इसे बंद कर देता हूँ। वो भाई साहब ये रूम तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, यहाँ पे दीवार पर डैमेज स्क्रैच भी आ चुके हैं। ओके तो पहले इसे क्लिक कर देता हूँ, इसे बाद में पहले करूँगा। एंड मिरर बाकी तो सब साफ है, ऐसे कर तो इस पेंटिंग को अभी नहीं कर सकता, शायद नीचे भी शायद कहीं गंदा होगा, मुझे देखना पड़ेगा। एंड बाकी सब क्लीन है यार, ऊपर देख लेता हूँ। हाँ ये रहा मिरर के ऊपर, भाई कहीं भी हो सकता है गंदा, देखना पड़ता। ओके तो ये भी हो गया। एंड मुझे ओके तो कैसे अब मुझे प्लास्टर ला के इससे भी लगा देना, प्लास्टर वन बकेट प्लास्टर। ओके थोड़ा सा प्लास्टर ले लेता हूँ प्लास्टर। ओके तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टर लगाने वाला हूँ। एंड ये लग चुका प्लास्टर, एंड ये हो चुका, अब क्या करना है। ओके तो गाइस मुझे यहाँ पे जो ये क्लासिक इंटरनल डोर है मुझे इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड कौन सा लो कलर देखता हूँ, ब्लैक कलर, ब्लैक में ले लेते हैं। ओके तो गाइस ये भी कंप्लीट हो चुका लेवल। ओ भाई साहब थोड़ा सा हार्ड था जो कि लेवल मतलब डोर को रिप्लेस करना था, जो कि मुझे ब्लैक कलर में, जो कि डोर भी बहुत ही ज़्यादा पुराना था। ओके गाइज आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करता, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक का बटन दबा देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, गुड बाय।